एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अपने किचन गार्डन की। तो किचन गार्डन से मैंने बनाई है चटनी, किचन गार्डन से ही मैंने सभी चीज़ें कलेक्ट करी थी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब अपने किचन गार्डन में, जो कि है हमारा टेरेस पर। और आप सबके साथ मैंने शेयर भी करा है कि हमने यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं आ गई थी, पुदीना तोड़ रही थी छत पे आके, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। तो आप देख सकते हो पुदीना ना थोड़ा मुरझा गया है, सर्दियों में ऐसा हो ही जाता है आजकल। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चिलीज़ लगी हुई हैं, तो मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी सुखाई भी थी, जो रेड हो गई थी ना, पक गई थी, तो मैंने उनको सुखा के स्टोर कर लिया था। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली तोड़ रही हूँ। और ये है फ्रेंड्स भावरी, इसको ना वाइल्ड तुलसी भी कहा जाता है। और ये हमारे यहाँ ना चटनी में ज़रूर यूज़ करते हैं, चटनी नमक भी बनता है इसका। और उसके बाद मैं थोड़े से सरसों के पत्ते भी ले लूँगी। ये ना ग्रीन चटनी बनाते हैं ना पुदीने की, उसमें ना बहुत ही टेस्टी लगता है सरसों जो होती है। थोड़े से जो नरम नरम पत्ते हैं वही लूँगी मैं। और ये है फ्रेंड्स लहसुन लगाया है, तो देख सकते हो आप कितना अच्छा ग्रो कर गया है। तो अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया ये, पर फिर भी मैं थोड़ी सी पत्तियाँ ले लूँगी। इसका ना टेस्ट चटनी में बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये भी तोड़ लिए थे थोड़े से लहसुन के पत्ते। तो यहाँ मैंने रेडी कर लिया सारा सामान। बस एक मेरे किचन गार्डन में धनिया नहीं उगाया अभी ढंग से, तो धनिया जो है वो फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने धो के रख लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी चटनी बनाने की, प्याज टमाटर अदरक नमक थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नींबू का रस भी ले लिया था मैंने। तो जीरा डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मेरे मायके में ना चटनी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हींग भी डालते हैं, बट यहाँ नहीं डालते तो मैंने नहीं डाला। ये सब मैंने धो के रख लिया था अच्छे से। धनिया जो है वो थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया था धनिया, और जितना पुदीना था उतना धनिया लिया है मैंने। तो इन सबको मैं अब पीस लूँगी, तो मैं इनको डाल रही हूँ मिक्सी जार में। तो सबको हम एक साथ ही पीस लेंगे, सब कुछ मैंने साथ में ही डाल दिया, नमक भी जीरा भी सब साथ में डाल दूँगी मैं। नींबू का रस डालूँगी मैं बाद में। तो आप देख सकते हो चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है, तो इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगी। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है चटनी का, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चटनी। और अब मैं यहाँ ऐड कर दूंगी नींबू का रस। मेरे मायके में चटनी बनाते हैं तो फ्रेंड्स उसमें ना थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, वो बहुत मतलब खट्टा मीठा टेस्ट आता है थोड़ा। पर यहाँ मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है तो हम नहीं डाल रहे हैं चीनी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चटनी फ्रेंड्स, और कलर भी इतना ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक चीज़ों से ही मैंने चटनी बनाई है। और बहुत फ्रेश था सभी, उसी टाइम मैंने तोड़ा था और उसी टाइम मैंने चटनी बनाई है फ्रेंड्स। तो आप सब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो मेरे लिए न्यू है ना फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, स्किप मत किया करो। बाय बाय।